श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ब्रह्म ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, जिसके समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जनपद मैनपुरी भोगाओं के ग्राम मेरापुर छदामी पोस्ट अरमसराय जनपद मैनपुरी में श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ब्रह्म ज्ञान यज्ञ की कथा का शुभारंभ आलोक शाक के पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया तथा इस अवसर पर आचार्य समर्पण जी महाराज व आचार्य श्री परमानंद जी महाराज के द्वारा कथा सुनाई गई। परमानंद जी महाराज ने अजामिल प्रसंग बताया, जिसमें नाम के माध्यम से जीव संसार सागर को पार कर सकता है। पापी से पापी जीव अगर प्रभु का नाम का स्मरण करे तो चित्त में शुद्धि आ जाती है और उन्हें मोक्ष मिल जाता है। गुरु जीवन के अनमोल रूप हैं, जिसे आत्मा में बैठाकर आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए गुरु भगवान से मिलाने की कड़ी है। गुरु के बिना व्यक्ति अज्ञानी होता है। गुरु ही सतमार्ग दिखाकर जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इस अवसर पर धीनाराम शाक्य, श्रीमती मिथिलेश कुमारी, श्री दीपेंद्र सिंह शाक्य, गगन शाक्य के साथ साथ समस्त ग्रामवासी व क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। उसी बीच भागवत समापन के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आयोजक धनीराम शाक्य ने बताया कि आसपास गांव के भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और अपना सहयोग प्रदान किया। छदामी गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कार्यक्रम था और समापन कब हुआ? 15 फरवरी से 21 फरवरी तक ये भागवत का आयोजन हुआ जी। और आज 22 तारीख 2020 को ये भंडारा चल रहा है। समापन के दौरान भंडारे का आयोजन किया गया। समापन के दौरान भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, चल रहा है।